एपिक फॉल पूरी एक्साइटेड है तो ऊपर करो स्पीड जितना आप बोलोगे उतना मिले फिफ्थ फॉल FF तो गाइस ये हमारा रूम है श्रीनगर 11 बुलेवर्ड। ये देखिए रूम बहुत बढ़िया रूम है, बहुत बढ़िया नाइस रूम सर। तो गाइस यहाँ पे इस होटल में बुफे जो है वो नहीं है, हमें सब कुछ रूम में मिल रहा है। तो हम देखिए हमारा पूरा का पूरा नाश्ता रेडी है जो जो हमने ऑर्डर किया है। बाकी खरीद जैम पराठे ये सब वगैरह है, ये अचार है और अभी कॉफ़ी वगैरह आ रही है, भटूरे छोले भी इनके पास वो भी आ रहे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ आर थर्ड डे ऑफ आर ट्रिप और अभी हम हैं अपने सेकेंड होटल ऑफ श्रीनगर में जो कि है 11 बुलेवर्ड, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो गाइस इस होटल की बेस्ट पार्ट ये है कि इसके फर्स्ट फ्लोर में पूरा का पूरा फूड कोर्ट है। तो आप देखिए क्या क्या ऑप्शन हैं, ये हमारा होटल है ऊपर पूरा का पूरा सारे फ्लोर्स और इसके फर्स्ट फ्लोर पे है KFC, पिज़्ज़ा हट, फूड स्ट्रीट, कोस्टा कैफ़ी, वैंगो, अमृतसरी एक्सप्रेस, बहुत ऑप्शन है अपने पास। तो अभी हम जैसे अपने होटल से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं गुलमर्ग। आप आज मौसम देखिए इतना ठंड है, आज 0 डिग्री टेम्परेचर है अभी और आज कोहरा बहुत है, बहुत ज़्यादा फॉग है। आप देखिए मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ, चलते हैं आपको सबसे मिलवाता हूँ पहले आज उनका आउटफिट देख के आया आज मेरा। देखिए आप ये देखिए मम्मी रेडियो माँ, हाँ रौनित जय बाबा जी, ये है रेनी, ये आ गई मामी सामान उठाते हुए पूरी, ये आ गई मासी, ये नानी आज मासी रेडी कोको हाय अच्छी लग रही है आज तू पहली बार और भाग्यू का आज अंदर बैठी हुई क्योंकि उसको काफी ज्यादा ठंड लग रही है। ये हमारा होटल है और इसके जस्ट सामने ही पीछे ये पूरा का पूरा डल लेक है। हमारा होटल है घाट नंबर 9 के ऑपोजिट 11 बुलेवर्ड। तो अभी तो आपको दिखा आपको मैं पाऊंगा नहीं क्योंकि पूरा कोहरा हुआ है, शाम के टाइम अगर देखता हूँ कुछ आपको दिखा पाऊँ। डल लेक वगैरह हमने डल लेक अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया है, शिकारा राइड वगैरह अभी कुछ भी नहीं किया है। एक बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, गंडोला की टिकट्स नहीं मिल रही कहीं से भी, जुगाड़ भी नहीं हो रहा और मैंने आने से पहले 3-4 दिन पहले हफ्ते से पहले देख रहा हूँ मैं, मुझे टिकट्स मिल ही नहीं रही, सब कुछ सोल्ड आउट है, बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पर भी। गाइस ये देखिए मौसम पूरा कोहरा ही कोहरा और देखिए ग्लव्स पहन के गाड़ी चला रहा हूँ मैं, इतनी ठंड है और अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग 54 किलोमीटर्स। तो गाइस गुलमर्ग बचा सिर्फ 14 किलोमीटर्स और 40 मिनट्स दिखा रहा है, अभी 3 किलोमीटर का जाम है पूरा का पूरा आप देखिए और सामने ही पूरे बर्फ के पहाड़ हैं, वो भी आपको दिख नहीं रहेंगे क्योंकि अभी थोड़ी धुंध है तो थोड़ा आगे जाके दिखेगा। वहाँ पर आपकी गाड़ी रहेगी पार्किंग से आगे रहता है 6 प्लेस मेन 6 प्लेस घूमने के लिए, यहाँ से बंदा एक साथ में रहता है उसका 300 रुपया वापस आके देना है क्योंकि वहाँ पर 20,000 लोग काम करते हैं। गंडोला राइड आपके पास है टिकट? नहीं पहले हमारा काम देना वापस आके शाम को पहले आप गंडोला करा दो। गंडोला के बगैर नहीं, गंडोला ही मैंने गंडोला करना है और कुछ नहीं। आज 25th है इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। गाइज पूरा फॉरन लग रहा है स्विट्जरलैंड टाइप्स। तो गाइज आप देखिए गुलमर्ग वाले रास्ते में थोड़ी सी चढ़ाई है वो शुरू हो गई है, 13 किलोमीटर की है
तभी मजा आएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मौसम जो है पूरा का पूरा खुल गया है, पूरा एकदम धूप आई हुई है, 7 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है अभी। कितने प्यारे रोड बनाए हुए हैं। गुलमर्ग सीधा बाबा ऋषि बारामूला नीचे। वेलकम सर कहते हैं यहाँ पर। वेलकम वेलकम। कहाँ से हो सर? दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली से हो। यहाँ सर ये टोल पॉइंट जो है ना, ये लास्ट है गुलमर्ग का टोल, ठीक है ना सर? इससे आगे आपको कोई टोल नहीं है, पर आगे जो पार्किंग टोल पड़ेगा वो कटेगा आपको, ठीक है? 50 रुपए का टोल रहता है यहाँ पर सर। जो आप ये गाड़ी है ना, ये सीधे 9 किलोमीटर जाएगी गुलमर्ग के अंदर। इसके बाद आपको हम घुमाएगा पूरा 6 पॉइंट, हम पूरा घुमाएगा आपका। हमारा सिर्फ खर्चा रहता है 200 हमारा खर्चा। हम आपको पूरा दिन घुमाएंगे, स्लेजिंग स्केटिंग हर एक पॉइंट पे उतराएंगे हमको। जैसे महाराजा का महाराजा हरि सिंह का पैलेस है सर, स्ट्रॉबेरी वैली है, किशन लेक है, बहुत सारे पॉइंट। गंडोला राइड सर, उसके लिए हम माद रखा है, क्योंकि बताओ सर वो जो है ना वो सोल्ड आउट हो चुका है सर। ये देखिए गाइस, गुलमर्ग के रास्ते में पूरी बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल होके हटी है। गाइस ये व्यू देखिए आप, सनशाइन पॉइंट कहते हैं इसको। सामने पूरे पहाड़ ही पहाड़ बर्फ से ढके हुए, आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, नहीं तो हम भी थोड़ा एक फोटो खिंचवाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। गाइस ये है फॉरेस्ट व्यू पॉइंट जिगमोग गुलमर्ग, ऑल्टीट्यूड 2609 मीटर्स। और चलते हैं हम यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाते हैं सारे के सारे। बहुत सही लग रहा है ये देखिए। गाइज वी हैव रीच्ड गुलमर्ग, और अनफॉर्चुनेटली गंडोला की टिकट्स तो नहीं मिल रही हमें। यहाँ पे गाइड्स हैं बहुत सारे, वो कह रहे हैं हम आपको बहुत सारे जगह पे पॉइंट्स पे दिखाएंगे, तो आपको और ही मज़ा आएगा। ये देखिए सामने वो बर्फ़ के पहाड़ पूरे के पूरे। ये पूरी पार्किंग हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है, और आप देखिए ये पूरी की पूरी मार्केट है गुलमर्ग की। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम कहाँ जाएंगे। कुछ भूख वगैरह लगी है तो पहले खा पी लें, इतनी ठंड थोड़ना है। तो गाइस यहाँ पे सब लेडीज़ घुस गई हैं पिछले आधे घंटे से, शॉल वगैरह पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं सर्दियों का। नटीज़ नहीं आप खाओ, ये देखो ये अभी भी वहीं घुसे हुए सारे के सारे। पश्मीना शॉल्स मैं बोलता हूँ। गाइस ये पूरी मार्केट बनी हुई है, मैंने बहुत लोगों से पूछ लिया है गंडोला का, कोई कोई जुगाड़ नहीं बन पा रहा है, तो इससे बेटर है हम टाइम ना वेस्ट करते हो। हमें ऑलरेडी यहाँ पे 1 बज गए हैं, वाह लेट हो गए हम, तो हम निकलते हैं अब। उनको बोलता हूँ मैं, और हम बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं आगे। चाय कॉफी पराठा ले। तो गाइस हमने ये गाड़ी कर ली है फाइनली, और हम सब जा रहे हैं ये वाटी भाग्यू आग्यू आग्यू शिफ्ट। मैं बैठू अंदर? चलो मैं बैठता हूँ। देखो अभी हम जा रहे हैं, अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट हमारा व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट तो भैया 6-8 पॉइंट कवर कराएंगे हमें। हीटर चलाओ? नहीं नहीं बंद कर दो, बंद बंद है, बंद है। तो गाइस ये है हमारा फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट महाराजा पैलेस, आप देखिए सामने लिखा होगा। 6-7 स्पॉट्स हैं, तो आपको मैं सारे दिखाऊंगा। तो गाइज ये आप रोड देखिए कितना बढ़िया रोड है। चीयर्स करते हुए जा रहे हैं हम। चीयर्स मासी चीयर्स। भैया वहाँ पे क्या है वो, बीच में जाएंगे? बीच में जाएंगे? वहाँ नहीं जाएंगे भैया, जहाँ वो खड़े हैं जाओगे। कहाँ पे रुकेंगे? वो वहाँ पे जहाँ पे वो गाड़ियाँ रुकी हुई है। अच्छा ऊपर जाना, आराम से एंजॉय करना, फिर जाएंगे आगे, ठीक है? वो स्कीइंग वगैरह कहाँ होगी? वो आगे करेंगे। गाइस ये एक जगह है, हम आए हैं स्नो पॉइंट व्यू। तो आप देखिए पूरी स्नो ही स्नो है, और कोको जा रही है आगे। कोको यहाँ से जाओगे आप? आ जाओ कहाँ से आ रहे हो भाई? हाथ पकड़ोगे तो गिर जाओगे, हाथ छोड़ दो, फोन अंदर डाल लो, आ जाओ। गाइस मैं और रोनित पूरा ऊपर आ गए हैं, आप देखिए अब व्यू।
आप देखिए बहुत फिसलन है यहाँ पे, तो बर्फ फिर भी कम है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ पे हम स्कीइंग वगैरह करेंगे। रोहानी देखो वो डर डर के आ रहा है, वो रहा सामने। गाइस ये देखो जन्नत, ये गोल्फ क्लब है यहाँ पे, वो मूवी देखी आपने जब तक है जान। हाँ मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का गाना एक नया है, तुम क्या मिले। हाँ तुम क्या मिले दिख रही है वो सामने उधर। हाँ हाँ शूट हुआ है सर जी। ओ अच्छा अच्छा, वहाँ पे शूटिंग हुई है तुम क्या मिले की। जी सर चर्च है, गुरुद्वारे चर्च। ओके ओके ओके। गाइज अब हम आ गए हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। भैया क्या नाम है पॉइंट का? इसका नाम है गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स का ये यहाँ पर गोल्फ कोर्स है। समर में होती है गोल्फ, अभी यहाँ पर स्केटिंग वगैरह होती है, जैसे स्केटिंग स्लेज। ओके ओके, समर में यहाँ पे होती है गोल्फ और अभी होगी स्केटिंग होगी स्लेजिंग होगी। ठीक है अभी वो करेंगे हम सारे के सारे भैया में करवाएंगे बढ़िया एकदम सस्ते डिस्काउंट में। चलो गाइज क्या कर रहे हो? हाँ जी सर क्या प्राइस है इसका? किसका? ये स्कीइंग का। देखो इसको विद टीचर विदाउट टीचर होता है। विद टीचर विदाउट टीचर जो लोग जानते हैं उनको पहले इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है वो इक्विपमेंट का चार्ज करेंगे, जो लोग नहीं जानते उसका इंस्ट्रक्शन का होता है। ठीक है स्लेज स्लेज। ओके ठीक है करते दोनों करते हैं। तो गाइस मम्मी कर रही है स्कीइंग, पूरा रेडी हो रही है आउटफिट के साथ अपने। ये देखो और इधर कोको। हाँ हाँ मैं तो फट्टा आपका फट्टा। मामी करेंगी फट्टा जिसके लिए स्लेज, मामासी भी स्लेज और बाकी सब जो है स्कीइंग कर रहे हैं सारे के सारे। स्कीइंग नहीं कर रहा पूरी एक्साइटेड है तो ऊपर करो। चलो मामासी आप रेडी हो? चलो जूता तो पहन लिया आपने। अच्छा अम्मा देखो इधर ये जितना आप बोलोगे उतना मिलेगा। कोको ये अब इसको कराओगे आधा घंटा? जितना टाइम करोगे जितना टाइम करो। ये देखिए गाइस आपको इस पे चलना नहीं है, ये चलेगा। ठीक है ये चलेगा ना। अभी एक बुआ गिर के हटी है, एक बुआ लड़कड़ा के चल रही है। नव ब्लॉग्स गिर गए ये आना चाहिए ब्लॉग में। स्केटिंग गिर गया भाई। हमटी हाड़ ग्रेट फॉल। Fifth fall FF. हाँ सही कर रहा है गाइस, हम बर्फों में नहीं रहते हैं। उतारो भाई। Happy Christmas. मामा फिर से बोले। Thank you bye. टाइट की पकड़ रहा ना। तो गाइस हम जा रहे हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारी स्लेज और स्कीइंग दोनों हो गई है। बैठो बैठो गाइस, ये नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है चिल्ड्रंस पार्क। वहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, हम देखते हैं हम करेंगे या नहीं करेंगे, लेट्स सी।
मेरा मन पिक्चर देखिए, मेरा मन तुम्हें चाहे, सुना है ना? उसकी शूटिंग हुई है, मैं बताऊंगा। अच्छा, क्या नाम है होटल का? हिल टॉप होटल, हिल टॉप। कहाँ पे? मैं बताऊंगा अभी, वो सामने वो पार है। तो गाइज ये जो है, ये है खाइबर गुलमर्ग, 5-star प्रॉपर्टी है सामने जो आ रही है, ये देखिए। तो गाइज ये है खाइबर का रेस्टोरेंट, आप देखिए। तो गाइस जहाँ पे अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वहाँ से गंडोला राइड शुरू होती है। फिसलन है गाइस, यहाँ देखो पूरी बर्फ जमी हुई है, ब्लैक आइस, बहुत फिसलन है। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, यहाँ से गंडोला की एंट्री, वो देखिए गाइस गंडोला आ रही है। लक है अगर हमारी एंट्री हो गई, वेल एंड गुड। गुलमर्ग गंडोला वेलकम्स यू। तो गाइस बर्फ देखिए कितनी है, फिसलन है बहुत, यहाँ साली ठंड है, यहाँ ठंड, अब ठंड हो गई ना। तो गाइज हमने गंडोला राइड वगैरह जितने भी पॉइंट्स थे सब कवर कर लिए, और अभी हम जा रहे हैं वापस गाड़ी में। आप देखिए ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, दिन में धूप थी, अब मज़ा आया वो गुलमर्ग। चलो वो गए आ गए गाइज, ये सब शॉल वगैरह ले रहे हैं अंदर। तो गाइज अभी हम आए लजीज डिनर करने के लिए, और यहाँ पे देखते हैं क्या बढ़िया होगा। वैसे तो सारे वेजिटेरियन हैं, यहाँ का आज का सब कुछ जो स्पेशल है वो सारा। तो गाइस बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट लग रहा है, देखते हैं कैसा होगा। मैंने अपने लिए मंगाया है चिकन शॉर्मा, और बाकी सब वेजिटेरियन है। अच्छे फ्राइज अच्छे गाइस, ये है मिक्स सॉस पास्ता, ये हमारा पनीर लबाबदार, और ये दाल मखनी, और ये है पनीर मखनी, ये सब हम खा रहे हैं, देखते हैं कैसा खाना है। हम मैंने अभी शॉर्मा खाया, बहुत बढ़िया शॉर्मा था, वेरी नाइस। ये देखिए ये है गार्लिक नान, पनीर लबाबदार, और ये पनीर लबाबदार। तो हमने कहा इस खाना खाया, इसका खाना लजीज का बहुत ही बढ़िया था, बहुत मज़ा आया, सब फुल हुए हैं। तो बस अब जाके सोएंगे और आपको मिलेंगे कल। बाय बाय।